नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7805 आईसी को चेक करना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप मल्टीमीटर से चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका रेगुलेटर आईसी सही है या ख़राब। तो दोस्तों, यहां पे जो हमारा ये आईसी है, ये 7805, ये हमारा डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर इसके हम प्राइमरी पे यहाँ आपका 7 वोल्ट से लेके और 35 वोल्ट के बीच कुछ भी हम वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में हमको 5 वोल्ट एक्यूरेट करंट ये वोल्टेज देता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, चेक करने के लिए इसको क्या है, सबसे पहला चीज़ यहाँ जान लीजिए, इसका जो इस तरह से आप पकड़ेंगे तो यहाँ 1 नंबर पिन, बीच वाला 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो जो पहला नंबर है इस पर हम, इसका इनपुट है, इस पर हम वोल्टेज देते हैं प्लस वोल्टेज, और 2 नंबर हमारा ग्राउंड होता है, 3 नंबर से आउटपुट वोल्टेज हमको ये देता है एकदम रेगुलेट वोल्टेज। अब इसको मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर यहां ले लेंगे और मल्टीमीटर लेके इसको बजर मोड में आपको सेट कर लेना है, ठीक है, जहां पे आपका एक डायोड का सिंबल बना होता है, इस बजर मोड में आपको सेट कर लेना है। अब देखिए, यहां पे जब आप इसको चेक करेंगे, मल्टीमीटर का रेड वायर आप 1 नंबर पे रख लेंगे और 2 नंबर 3 नंबर पे आप इस तरह से जब मल्टीमीटर का प्लाट लगाएंगे तो यहां देखिए इस तरह से, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक हल्का सा रीडिंग मिलेगा, लेकिन 2 नंबर पे यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलेगा, ठीक। मल्टीमीटर का प्लाट यहाँ से आप पलट लेंगे और ब्लैक वाला वायर आप 1 नंबर पे लगा लेंगे और 2 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे बारी बारी से रखेंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिलता है। अगर ये रीडिंग आपको नहीं मिलता है या बीप का साउंड मिलता है किसी भी पिन पर, तो आपका ये रेगुलेटर आईसी ख़राब होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर पे जब आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से, इस तरह से 2 नंबर और 3 नंबर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक साइड से कोई रीडिंग नहीं दिया और दूसरे साइड से यहाँ देखेंगे तो आपको रीडिंग देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपका 7805 रेगुलेटर आईसी चेक करना होता है। अगर इसमें कोई भी 2 पिने आपस में बीप का साउंड सुनाई देता है तो समझ लीजिए आपका रेगुलेटर आईसी खराब है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।